दोस्तों तो अभी पहुंच गए हैं अतोचा स्टेशन। ये बहुत ही फेमस स्टेशन है। 11 मार्च 2004 को यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था। 3 दिन पहले इलेक्शन के अराउंड 193 लोग मारे गए थे, 2000 से ज़्यादा इंजर्ड थे इसमें। यहाँ पर इन्होंने एक ट्रॉपिकल गार्डन बना दिया है दोस्तों, लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं स्टेशन पे। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Hello friends, welcome to our new vlog. कैसे हो आप लोग? यार आज है day 3 in Madrid और बहुत ही awesome रहा है Madrid अभी तक। पीछे देख सकते हो कितना बढ़िया ये शहर। फिलहाल बहुत मज़ा आ रहा है चीज़ें explore करने पे। आज हम जा रहे हैं एकदम बिल्कुल नई जगह जिसका नाम है यूरोपा पार्क। वहाँ बेसिकली यार 18 मॉन्यूमेंट्स है यूरोप के सबसे फेमस, उनका छोटा छोटा रेप्लिका बनाया हुआ है, तो वो जाके एक्सप्लोर करेंगे आज और आपको भी दिखाते हैं। उससे पहले हम लोग अचोता स्टेशन, जो एक स्टेशन है यहाँ का बहुत फेमस, वो भी करेंगे एक्सप्लोर। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों तो अभी पहुंच गए हैं अतोचा स्टेशन। ये बहुत ही फेमस स्टेशन है, बेसिकली सेंटर ऑफ मैड्रिड में आता है ये। और मैं बताता हूं क्यों ये फेमस है, यहाँ की चीज़ें दिखाता हूं, आपको भी लगेगा यार बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। आपने सिंगापुर का एयरपोर्ट देखा होगा, आपने बहुत जगह ये मॉन्यूमेंट देखे होंगे। आज अतोचा स्टेशन भी देखते हैं कैसा है और बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो दोस्तों अतोचा स्टेशन क्यों फेमस है, एक रीज़न ये है कि यहाँ पे ना 11 मार्च 2004 को यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था। 3 दिन पहले इलेक्शन के अराउंड 193 लोग मारे गए थे, 2000 से ज़्यादा इंजर्ड थे इसमें। तो उनके याद में यहाँ पे पीछे जो देख रहे हो ब्लू, ये म्यूज़ियम बनाया गया था। मैं अभी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, यहाँ बोलना मना है, बातचीत नहीं कर सकते, बट मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। और फिलहाल बहुत ही प्यारा स्टेशन है, अभी और भी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले ये म्यूज़ियम, तो ये है मेमोरियल की एंट्री। यहाँ पे आप अंदर जाते हैं, बहुत ही शांति थी, बहुत पीसफुल भी था ये। यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं, जो भी विक्टिम थे जिनका एक्सीडेंट हुआ या मारे गए यहाँ पे, तो उनके यहाँ सारे नाम लिखे हुए हैं। आपको सामने एक पैम्पलेट भी मिलता है जहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हैं अगर किसी के लिए, तो ये यहाँ पे रखे हुए हैं, तो यहाँ से मैसेज भी लिख सकते हैं आप उनको। और बीच में ये बनाया गया था, आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे भी मैसेज लिखे हुए डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग मरे, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पे उनके लिए मैसेज लगे थे, किसी की याद में, किसी के लविंग में। तो दोस्तों हर जगह का कुछ ना कुछ फेमस होता है। बात करते हैं स्टेशन की, तो ये स्टेशन की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। 1951 में ये बना था। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं मुंबई के CSTM स्टेशन से। इतना पुराना स्टेशन है और इतना प्यारा स्टेशन बनाया गया है। ये सेंटर ऑफ मैड्रिड में, इसको हार्ट ऑफ मैड्रिड भी बोलते हैं। हर जगह की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, चाहे वो बसेज हो, ट्रेन्स हो, मेट्रोज हो, टैक्सीज हो, आप हर जगह यहाँ से जा सकते हैं। बाहर कुछ ऐसा दिखता है, इतनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा ये स्टेशन बनाया हुआ है। फ़ोटोज़ में भी बहुत खूबसूरत लगता है। जो मैड्रिड आता है ना, वो एक बार तो ये स्टेशन ज़रूर घूमता है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ घूमने के लिए, जैसे मैंने वो मेमोरियल आपको दिखाया और ये खुद स्टेशन इतना बड़ा है। इसके बाद यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ तो देखनी बाकी है, चलो वो दिखाता हूँ और आप वो देख के एकदम अचंभित रह जाएंगे। दोस्तों जो चीज़ मुझे दिखानी थी वो मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तो आपको भी वो दिखाता हूँ और पूरा 360 डिग्री व्यू देता हूँ इस पूरे स्टेशन का, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। दोस्तों ये आपका मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन से अंदर आते ये आपका पड़ जाता है गार्डन। यहाँ पर इन्होंने एक ट्रॉपिकल गार्डन बना दिया है दोस्तों, लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं स्टेशन पे। अगर इसकी लेंथ की बात करूँ तो अराउंड 4000 स्क्वायर मीटर है और अराउंड 7000 इसमें स्पेसेस है डिफरेंट टाइप्स की, जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट से मंगाई गई है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका। यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे मंगाए गए और लगाए गए हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले यहाँ टर्टल्स भी हुआ करती थी, टर्टल्स अभी नहीं है यहाँ पे, बस प्लांट्स है, गार्डन्स है।
बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर बनाया है इसको यहाँ। दोस्तों यही लिखा हुआ है यहाँ, पहले टर्टल्स हुआ करती थी और भी जो डिफरेंट एक्टिविटीज थी वो सारी चीजें आप बता रखिए। फिलहाल ये यहाँ का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। दोस्तों ये गार्डन 1992 को इनॉग्रेट किया हुआ था और कितना बढ़िया लगता है यहाँ से। आपको अगर इसका सबसे अच्छा व्यू चाहिए तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हो, वहाँ से आपको ऊपर से दिखता है। फिलहाल अंदर जाना मना था बट यहाँ ऊपर से आप देख सकते हो अंदर की चीज़ें। एंड लोग स्पेशली यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ का रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कॉफ़ी उठाते हैं और बैठ के अपना नॉवल रीडिंग करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं। बाकी जो स्टेशन से ट्रेन पकड़ रहे हैं वो लोग भी यहाँ बैठ के वेट करना पसंद करते हैं, राधा स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जाके वेट करने से। तो हाँ ये सारी चीज़ें होती है। फिलहाल मैं ये सोच रहा था कि किस इंजीनियर ने सोचा होगा कि यार स्टेशन के अंदर ये प्लांट लगा सकते हैं, ट्रीज लगा सकते हैं, वो भी अराउंड 300 टू 400 स्पीसीज हैं। बहुत ही बढ़िया काम किया तो दोस्तों अतोचा स्टेशन का ये बढ़िया सा ट्रॉपिकल गार्डन तो देख लिया। अब यहाँ से चलते हैं सीधा यूरोपा पार्क, जो कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत और बढ़िया होने वाला है, तो वो आपको दिखाते हैं।